मित्रों को, देशवासियों को, आज हम आपको एक विशेष कार्यक्रम के तहत यहाँ लेकर आए हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस फैल रहा है और उससे जन की हानि हो रही है, व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, उससे हमें किस प्रकार बचना चाहिए, उस बीमारी से किस प्रकार बचना चाहिए, इसलिए आज हमारे साथ राजस्थान स्वास्थ्य सेवा के विशेष डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश जी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। हम आज इनसे चर्चा करेंगे और इस बीमारी के रोकथाम के लिए, बचाव के लिए इनसे कुछ जानेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे आपको भी पता है कि आप पेशेंट की संख्या भी बढ़ गई है अस्पतालों में, कि जो हमारे कोरोना भारत में आया है और कल राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, कॉलेजों में 15 दिन का अवकाश भी दे दिया है, ये किस प्रकार की बीमारी है, कहाँ से ये बीमारी शुरुआत हुई? ये बीमारी चाइना के वुहान प्रांत से शुरू हुई और वहीं से फिर पूरे विश्व में ये धीरे धीरे फैली है। तो अभी इसने पूरे विश्व में इटली, फ्रांस, जापान, कोरिया और अपने हिंदुस्तान में भी थोड़े पैर जमाए हैं। उसी की स्क्रीनिंग के लिए, उसकी जागरूकता के लिए फिर लोगों को संदेश दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। हालांकि ये इतनी कोई ज़्यादा गंभीर और भयानक बीमारी नहीं है जिससे लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैसे आप कह रहे हो भयानक बीमारी नहीं है, तो कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो वो तो इसका इलाज नहीं है, इसका बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, उपचार है इसका, बचाव। अभी इसका कोई वैक्सीन भी अभी सुनने में आया, वैक्सीन एक अभी नया निकाला है, प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो अभी कुछ देर काल में सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन बचाव ही इसका उपचार है, बचाव इसका उपचार है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बचाव ही इसका उपचार है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जैसे सोशल साइट्स पर ऐसी चीज आ रही है कि शराब पीने से, तंबाकू खाने से ये आपकी कोरोना दूर हो जाएगी, क्या ऐसे वे के पोस्ट करने से समाज में क्या उचित मार्गदर्शन अफवाहें हैं सारी और इससे समाज को भ्रमित भी किया जाता है, तो कृपया करके ऐसी पोस्ट न डालें, उससे कोई फायदा नहीं है। इसका बचाव जो है वो ये है कि हमारा मुंह और नाक जो मास्क से या टिश्यू से अपन ढक के रखें, पब्लिक प्लेसेस पे जब जाते हैं स्पेशली तब अपना ढक के रखें मुंह और नाक को, और हाथ अपने जो है थोरली अपन वॉश करते रहें, लगातार धोते रहें, और अपने हाथों को मुंह, नाक और आंखों से दूर रखें, ये इसका बचाव है। और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे हमको 1 मीटर की दूरी पर रखना है, अपने आप को बचाना है। जैसे कोरोना वायरस है संक्रमण से फैलता है, लक्षण इसके खांसी, बुखार और सांस में दिक्कत, परेशानी आना, ये 3 मुख्य लक्षण है, इनसे अपन। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इस बीमारी के लक्षण है खांसी, बुखार और सांस में दिक्कत, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये बीमारी हो तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जरूर जांच कराएं। बिल्कुल, जरूर जांच कराएं और डॉक्टर से परामर्श भी लें। अच्छा, एक डॉक्टर साहब आपसे ये निवेदन रहेगा मेरा कि ये बीमारी कुछ पर्टिकुलर चीज खाने से या कोई है कुछ खाने से होती है? खान पीने से कुछ भी कोई बीमारी नहीं हो रही है, ये तो बस संक्रमण है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो फैलती है 1% से 2% में। खाना मतलब खाने से अपने यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, जो ये वुहान में स्टार्ट हुई थी जब, तब ये सी फूड खाने से, जो वो स्ट्रीट फूड, जो सी फूड काफ़ी चाइना में हर चीज़ जो खाते हैं वो सी फूड में, आप कुछ भी देखें सी फूड ही नहीं, सांप खाने से, सांप में सांप भी खाने से, सांप, हाँ, तो वो अपने इनका साफ कहना है कि जो नॉनवेज मांस खाने से जो चीन की वुहान प्रांत में बीमारी चली वो पूरे विश्व को अपने घेरे में ले लिया और ये एक बड़ी गंभीर बीमारी है क्योंकि इसका एक तरीके से इलाज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि आप अपने घर में बैठे रहे, स्वच्छ बैठे रहे, हाथ धो के बैठे और आप मास्क लगाए, रुमाल से ढके, छींक अगर लेते हो तो आप मतलब अगले के सामने उसके फिर टिश्यू पेपर रखे। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, फेसबुक व्हाट्सएप पे जो पोस्ट आती रहती है कि शराब से, तंबाकू से बचा जा सकता है या कुछ लोग व्यंग्यात्मक में इसके लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने 10-15 साल अपना जीवन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुर्बान किया है और इन्होंने हमें बताया कि हमें किस प्रकार से बचाव रखना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा कोई पेशेंट जो आपको सूचना मिली कि हमारे क्षेत्र में? हाँ, सूचना मिली थी बैरसर अपने गांव में पास में, वहाँ पर एक पेशेंट थे जो इटली से यात्रा करके आए थे, तो उनकी भी अपनी जाँच यहाँ पर की थी, उसकी जांच में तो कुछ यहाँ पर ऐसा खास मिला नहीं, लेकिन वो फिर भी एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया था कि वहाँ पे अपनी आगे की जांच है फर्दर जो ट्रीटमेंट। बिल्कुल, जो भी कोई विदेश से आ रहा है तो उनकी ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट है, ऑलरेडी यहाँ की लिस्ट इन सब के डॉक्टरों के पास में, स्वास्थ्य विभाग के पास में लिस्ट पहुंच रही है, जो भी इटली, जापान, कोरिया, किसी भी देश से आ रहा है वो लिस्ट इनके पास तुरंत आ रही है और जिस क्षेत्र का वो व्यक्ति है उसकी
मेडिकल टीम द्वारा जांच की जा रही है। जैसे उन्होंने बताया कि देरासर में एक व्यक्ति बाहर से है, उसकी जांच की गई और उनको लग रहा है कि प्राथमिक लक्षणों से उनके बीमारी है नहीं है। और जो जांच आगे के लिए जयपुर और बीकानेर व्यक्ति करवाए, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना बचाव ही उपचार है। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया और जनता को जागरूक करने के लिए जो अपने हमारी मुहिम में जो सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।